नमस्कार, मैं हूं अनुभव शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। बात करें बुलंदशहर की खबरों की, तो बुलंदशहर की पहली बड़ी खबर कोतवाली देहात क्षेत्र से आ रही है। आपको बता दें कि कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली देहात पुलिस ने अड़ौली तिराए से पशु चोरी करने वाले गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन पकड़े गए चोरों के निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई 2 भैंसें, 1 टाटा 407 भी बरामद की है। साथ ही आपको बता दें कि पकड़े गए तीनों शातिर चोरों पर आधा दर्जन से अधिक चोरी के संगीन मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल सभी चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बात करें बुलंदशहर की दूसरी खबर की, तो बुलंदशहर की दूसरी खबर गुलाबटी थाना क्षेत्र के बराल गाँव से आ रही है। आपको बता दें कि बराल गाँव के निवासी अंकुर ने, जो कि पेशे से गाँव में मजदूरी का काम करता है, उसने SSP शुलोक कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। अंकुर के मुताबिक 5 साल पहले उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अपने सभी शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज अपने एक जानकार को नौकरी के लिए दिए थे, जबकि अब 5 साल बाद अंकुर को इनकम टैक्स के द्वारा 8 करोड़ की वसूली का नोटिस दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले पर पीड़ित अंकुर ने SSP शुलोक कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। बात करें बुलंदशहर की तीसरी खबर की, तो बुलंदशहर की तीसरी खबर बुलंदशहर अनुपशहर मार्ग से आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ एक कार और टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सभी घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। अनुभव शर्मा, ABP गंगा, बुलंदशहर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।